कुमार ने नहीं ज्वाइन किया अभी तक। अमार कर रहे ज्वाइन, कोई कंफर्म कर ले ये चीज। अच्छा रिप्लाई नहीं आया अभी तक। शुभ भाई आप कंटिन्यू चलो करें। चलो ठीक है। अच्छा अब जो है ना, हम लोगों ने ये चीज देखी, हमारे पास ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि इस तरह करके हमने वेरिएबल लिए, और वेरिएबल लेने के बाद यही सब्जेक्ट अगर और ज्यादा होते या कोई रिक्वायरमेंट ऐसी होती जिसमें बहुत ज्यादा इनपुट आती, तो वहां पे जो है ना ये वाला डाटा स्ट्रक्चर जो है ना हमारा फेल हो जाता है कि हर किसी का हम अलग वेरिएबल लें और उसको जो है ना इस तरह करके यूज करें। तो इसका कोड मैं आप लोगों को दे दूंगा कि भाई किस प्रॉब्लम को हम सॉल्व किया है सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर चेंज करने से। अगेन हमारी रिक्वायरमेंट यही है कि भाई हमने 6 सब्जेक्ट की इनपुट लेनी है और उस इनपुट को यानी कि हमने एवेलुएट करना है कि भाई वो पास है कि फेल है। तो उसके लिए जो है ना अरे यूज होती है। अरे एक्चुअली यानी कि एक कंटिन्यूसली कह लो कि एक सीक्वेंस होता है वेरिएबल का, जितना हमें साइज होता है ना उतने साइज के वो वेरिएबल हमारे पास ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। कैसे आते हैं कि उसका सिंटेक्स ये है कि अरे सॉरी जो जिस टाइप का वेरिएबल लेना होगा वो वाला टाइप यानी कि उसका देखो ये कीवर्ड, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंट का लेना है और उसके बाद ये ब्रैकेट आती है। ठीक है, ये ब्रैकेट आ गई, उसके बाद मैं कह देता हूँ सब्जेक्ट की क्या है अरे है। ठीक है, ये यानी कि ये क्या है वेरिएबल नेम है, ये कुछ भी हो सकता है लेकिन सिवाय उनके के जो हमने वेरिएबल के स्टैंडर्ड नेम पढ़े थे उसके अलावा ये यानी उसी उसी कंडीशन के अंदर रिलाई करना चाहिए, यानी कि स्टार्टिंग विद स्पेशल करेक्टर नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग नंबर नहीं होना चाहिए, उसके अलावा यानी कि जो भी हम वेरिएबल नेम रखना चाहें वो यहाँ पे रख सकते हैं। ये जो है ना हमारी अरे डिक्लेयर हो गई है। ठीक है, इस तरह करके ये डिक्लेयर होती है, लेकिन जो है ना इसके अंदर एक चीज होती है कि इसको जब भी हम डिक्लेयर करते हैं ना तो हमें जो है ना इसे यानी कि यूज करने से पहले इनिशियलाइज करना भी जरूरी है। ठीक है, यानी कि अगर हम इसे इनिशियलाइज नहीं ना करेंगे तो ये यूज भी नहीं हो सकती। लेकिन इधर देखो, इधर इसने यानी कि हमने इसे यूज किया इनिशियलाइज डायरेक्ट वेरिएबल से कर दिया, यानी कि डायरेक्ट जो हमने वहां से वैल्यू ली उससे इनिशियलाइज कर दिया। लेकिन इसकी लिमिटेशन ये है कि ये कहता है कि जब मुझे अरे को डिक्लेयर किया है तुमने तो मुझे इनिशियलाइज भी करना जरूरी है। और एक और इसमें चीज है कि जब भी हम इसे इनिशियलाइज करेंगे ना तो हमें इसका साइज देना भी जरूरी है, कितने वेरिएबल हम यूज करने जा रहे हैं। अब वो अलग लाइन में भी मैं कर सकता हूँ, वो इसी लाइन में भी कर सकता हूँ। एक हम इसी लाइन में अलग लाइन में कर लेते हैं कि मैंने सब अरे को अब इनिशियलाइज किया, न्यू स्पेस, किससे किया अगेन इससे किया, और यहाँ पे इसके अंदर अपना साइज बताना जरूरी है कि कितने वेरिएबल आप लोग लोगे। तो हमारे केस में क्या है 6 वेरिएबल, तो हमने इसे कह दिया कि 6 वेरिएबल हम लोग। ठीक है, अब जो है ना ये क्या बन गई है, एक ऐसी अरे बन गई है जिसके अंदर 6 हमारे इंटीजर टाइप जो है ना इंटीजर टाइप एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन ये है कि इसको यूज कैसे करेंगे, यानी कि 1 को कैसे, यानी इंटीजर टाइप जो S1 है जिस तरह हमने इधर नाम S1 दिया था, इसको ये कैसे यूज करेंगे। उसके लिए पहली चीज तो ये है कि ये बात हमने पहले भी की हुई थी कि ये जो नाम होता है ना ये इसे कहते हैं इंडेक्स, यानी कि इसका इंडेक्स टोटल 6 है। ठीक है, और ये कहाँ से शुरू होता है ये हमने डिस्कस किया था कि जब भी इंडेक्सिंग शुरू होगी ना इसमें डॉट नेट में, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद 0। तो अगर हमने पैरा वेरिएबल यूज करना है ना तो उसका नाम ब्रैकेट 0, ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा पहला वेरिएबल बन गया। ठीक है, तो
इसको अगर मैं यहां से उठा के इसे से कट करता हूं और इसकी जगह प्लेस कर देता हूं, तो ये पहली लाइन जो है ना हमारी, ये कंप्लीट हो गई है। ठीक है, इसकी जरा हम अभी एक डेमो भी देखते हैं। यहाँ पे बिल्कुल हाँ लगा हुआ है, यानी कि इसके जीरो इंडेक्स पे, और जीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, एक इंटीजर वेरिएबल पड़ा हुआ है। इसके जीरो इंडेक्स पे क्या होगा, जो भी यानी कि यूजर से इनपुट लेंगे वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। अब इसे एक बार चला के देखते हैं। इंटर पर सब्जेक्ट मैंने 95 इंटर किया। अब इधर देखो, पहले कितने की इसने डिक्लेयर की, यानी कि एक इंटीजर टाइप 6 साइज का। अब देखो 6 के 6 यहाँ पे आ रहे हैं और पहले पे क्या पड़ा हुआ है, 95। ठीक है, यानी कि उसके जीरो इंडेक्स पे 95 हमने सेव करवा दिया। इसी तरह करके हम आगे चलते हैं। इंडेक्स 1 पे मैंने ये दूसरा सब्जेक्ट उठाया, इंडेक्स 2 पे मैंने हाँ इंडेक्स 3 हाँ 2 पे मैंने तीसरा सब्जेक्ट, इंडेक्स 3 पे मैंने चौथा, ये इंडेक्स 4 आ गया और ये इंडेक्स 5 आ गया। क्योंकि ये 0 से शुरू हुआ था, 0 से 5 तक इसकी टोटल लेंथ 6 बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमें अगर हम 7 लेंगे भी ना तो ये हमें एरर दे देगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, यहाँ पे 7 के लिए हमें इंडेक्स 6 यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब मैं इसे जरा रन करता हूँ। और अब इसको रन करने से पहले मैंने एक काम और करता हूँ कि ब्रेक पॉइंट अब लगाता हूँ अपना यहाँ पे। फर्स्ट सब्जेक्ट इंटर किया, सेकंड इंटर किया, थर्ड इंटर किया, फोर फाइव सिक्स। अब ये मैंने 6 सब्जेक्ट इंटर कर दिया, और अगर इसमें हम देखें तो 6 सब्जेक्ट के 6 सब्जेक्ट पे हमारे पास वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये जो है ना, ये कौन सा इंडेक्स है, 7वां, जो कि देखो यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता 0 से लेके 5 तक, यानी कि टोटल 5 एग्जिस्ट करते हैं और हमने यहाँ पे इंडेक्स किसका दिया हुआ, 7वें का, क्योंकि 0 से ये स्टार्ट हुआ था। इसको अब मैं F10 करता हूँ, फिर F10 करता हूँ। अब यहाँ पे इनपुट लेने आया, मैंने इसे 100 इंटर कर दिया, एरर आ गया। बहुत ही फीमेल, यानी कि कह लो कि नॉन एरर, ये इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड ऑफ द अरे। ठीक है, यानी कि वो जो उसकी रेंज थी ना, उससे बाहर चला गया हुआ, तो इसलिए करके हमारे पास सिर्फ उतने ही यूज होंगे जितने हमने उसे डिक्लेयर किए हैं, तो ये वाला हमारे पास यूज नहीं होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है कि भाई आप ये कैसे, तो शुएब भाई हम पहले भी तो यानी कि कितनी लाइनें, ये 12 लाइनें यूज कर रहे थे, अब भी 12 यूज कर रहे हैं। तो मैं इधर ये कहूंगा कि नहीं, हमने जब अरे यूज करनी है तो हम इस तरह लाइन बाय लाइन नहीं यूज करेंगे। मैं एक लूप लगाता हूँ, इंटीजर मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, उसकी लेंथ मुझे क्योंकि पता है कि उसकी लेंथ कितनी है, 6 से जब तक छोटी है, और आई में प्लस प्लस होता रहे, और एक लाइन में उठा के कॉपी करता हूँ और इसे यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और इसे मैं खत्म करता हूं अब, और इसको क्या करता हूं मैं, क्योंकि मैंने इंडेक्स चलाना है वो मैंने आई से चलाना है। ठीक है, अब मैं इसको जो है ना रन करता हूं, और यहां पे ब्रेक पॉइंट मेरा नीचे लगा हुआ है। अब मैं जरा तेजी से इंटर कर रहा हूं चीजें, अब देखो इधर। ठीक है, सारों के अंदर वो वैल्यू आ गई जो हमें चाहिए थी, और किससे, एक लूप से। लेकिन अभी एक इशू आ रहा है हमें, अभी भी एक प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास क्या आ रहा है, इंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट, इंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट, इंटर योर फर्स्ट सब्जेक्ट। इसका भी हम एक सोल्यूशन निकाल लेते हैं। इसका हम ये कहते हैं कि हम एक और अरे लेते हैं जो स्ट्रिंग टाइप की है, उसे हम कहते हैं सब्जेक्ट नेम अरे। किस टाइप की है, स्ट्रिंग टाइप की है, ये इसका सिंटैक्स है, ये थोड़ा सा आप लोगों को मेमोराइज करना पड़ेगा इसको।
अब मैं इधर एक टेक्निक लगाने लगा हूं, इसको वैल्यू ना मैं डिफॉल्ट दे देता हूं। क्या क्या वैल्यू दे रहा हूं? पहली मैं दे देता हूं उर्दू, क्योंकि ये स्ट्रिंग स्ट्रिंग है तो इसलिए मुझे स्ट्रिंग में देना पड़ेगा। दूसरी मैं दे देता हूं इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर, साइंस, ठीक है। ये जो है ना, यहाँ पे मैंने इसको क्या दे दिए, वैल्यू दे दी। एक चीज आप गौर करो, मैंने इधर इसे साइज नहीं दिया, लेकिन इसे मैं इधर साइज दे भी दू ना फिर भी एरर नहीं है, और ना दू ना फिर भी एरर नहीं है। यहाँ पे क्यों ऐसा है? क्योंकि हमारा जो कंपाइलर है ना बहुत इंटेलिजेंट है, वो कहता है कि अगर आपने मुझे ये दे दिया है ना तो मैं खुद ही जज कर लूंगा कि इसका साइज कितना बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ऐसे करते हो कि इधर देते हो आप 5, वैल्यू देते हो 6, तो वहां पे जो है ना आपको एरर दे देगा। ओके, ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई अगर साइज नहीं देता तो जितना ये है उतना यहाँ पे साइज ज्यूम कर लेगा, लेकिन अगर सिर्फ साइज दिया तो तब भी नो इश्यू, वो उसे जाने देगा क्योंकि उसे पता है कि बाद में यूज कर लेगा। लेकिन अगर साइज दिया है और वैल्यू भी दिया है, वो ये कहता है कि अगर साइज और वैल्यू दोगे तो दोनों इक्वल होनी चाहिए, अगर दोनों में से कोई भी चीज नॉट इक्वल हुई तो वो मेरे लिए एरर है, ठीक है। तो अब हमने ये चीज कर ली, हम ये कहते हैं कि भाई मैं सब्जेक्ट वाइज उससे डाटा एंटर करवाऊ, इंटर योर, यहाँ पे मैं कंकैट कर देता हूँ इसे, जो कि हमें बहुत अच्छी तरह आता है करना। अब ये जो वैल्यू पड़ी हुई है ये किसमें पड़ी हुई है? मेरे पास अरे में पड़ी हुई है, और कैसे पड़ी हुई है? आई के इंडेक्स पे पड़ी हुई है। अब जरा इसकी आउटपुट देखना कितनी अच्छी आएगी। इसको मैं राइट लाइन खत्म कर देता हूं ताकि वो एक ही लाइन में डाटा शो हो, और यहां पे इसके बाद जो है ना वो मेरे पास एक लाइन का इंटर आ जाए, या सिंपल राइट लाइन में लिखो ना तो वो आ जाए। ब्रैकेट ठीक है, अब देखना मेरी आउटपुट। इंटर योर उर्दू मार्क्स, मैंने ये एंटर किया। इंटर योर इंग्लिश मार्क्स, मैंने ये एंटर किए। इंटर योर मैथ मार्क्स, मैंने ये एंटर किए। फिर अगेन इंटर योर कंप्यूटर मार्क्स, मैंने ये एंटर किए। इंटर योर साइंस मार्क्स, ये एंटर किए। इस्लामियत मार्क्स, ये एंटर किए। अब देखो यानी ये कितना एक्यूरेट उसे चीज आ रही है, और किसकी मदद से? अरे की मदद से। ये काम हम उसमें भी कर सकते हैं, लेकिन अगेन हमें हर चीज को रिपीट करना पड़ेगा। अब ये मैंने इधर इंटर मारा तो मैं देखता हूँ क्या मेरी सारी वैल्यू आ गई है अरे में। तो ये सारी वैल्यू मेरी अरे में आ गई। अब हम जल्दी से थोड़ा ये वाला काम भी कर लेते हैं। इस काम के लिए भी मैंने एक फॉर लूप लगाया, लेंथ मैंने 6 लगाई क्योंकि मुझे पता है उसकी लेंथ 6 है, और इसके अंदर मैंने एक इफ लगा दी। अब जो S1 है मेरे पास, अब S1 नहीं है, अब मेरे पास क्या है? अरे इंडेक्स है। अरे इंडेक्स जो कि ऊपर आई में चल रहा है, ठीक है। और यू आर पास इन किस सब्जेक्ट में? अगेन मैं इसे कंकैट कर दूंगा, वो क्या है? सब्जेक्ट नेम की अरे है, और उसके कौन से इंडेक्स पे? उसके आई इंडेक्स पे। सेम इसी तरह ये काम मैं फेल के लिए भी कर दूं। सही है, होपफुली ये इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब ये कितनी लाइन बन गई हमारी? 8 या 9 लाइन बन गई है टोटल मिला के, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर भी ये वाली आनी चाहिए क्योंकि ये नहीं, ठीक है, ये राइट लाइन नहीं। इसको मैं करता हूँ
3 स्टार। तेजी से ना इंटर करता हूँ मास। ये रिजल्ट आ गया। यू आर पास इन उर्दू, यू आर पास इन इंग्लिश, यू आर पास इन मैथ, यू आर फेल इन कंप्यूटर, यू आर पास इन साइंस एंड यू आर पास इन इस्लामिया। ठीक है, अरे की मदद से सिर्फ हमने इतने पीस ऑफ कोड को, इतने बड़े पीस ऑफ कोड को जो कि अभी ऊपर से भी रिमूव किया था, हमने ये चीज इंप्लीमेंट कर ली। फ्रंट हैंड पे जो आप लोगों को नजर आया कि भाई क्या चेंजिंग होती है, क्या कुछ होता है, वो तो है, लेकिन ये बैक एंड पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है। क्या इम्पैक्ट डालता है, अब हम जरा बैक एंड पे आते हैं। अब एक और दोबारा इसको कॉपी कर लेते हैं हम स्टैक को अपने। अब ये स्टैक वो है जो एक अरे अरे स्टोर कर रहा है। अरे ये किस तरह स्टोर करता है, अरे ये स्टोर करता है कि जिस तरह मैंने ये अरे का नाम इधर लिया था, ये फॉर एग्जाम्पल इफ, यानी कि ये वाली जो अरे है ना, ये यहाँ पे स्टोर हुई हुई है, यानी इसके अंदर जो वैल्यू है 0, ठीक है, वो 95 के साथ स्टोर हुई हुई है। इस अरे का ये कमाल है कि जब भी ये 1 वाला आएगा ना, तो उससे नेक्स्ट जो होगी ना, उस यानी कि जहां पे ये 4 बाइट खत्म हो रहे होंगे ना, उससे नेक्स्ट वाली बाइट पे 1 शुरू हो जाएगी। इधर ये 1 शुरू हो गई, ठीक है। अरे का मेन जो है ना, यानी कि एडवांटेज ये कि ये स्टैक में या ये मेमोरी में ना, अपने से नेक्स्ट वाले को, यानी कि जो इसकी नेक्स्ट वाली बन रही होती है, अपने से नेक्स्ट वाले को वो वहां पे मेमोरी असाइन कर देता है। यानी कि फॉर एग्जांपल कोई भी इधर पाथ था, वो कह लो कि 1000 MB के बाद जो है ना एक पाथ शुरू हुआ, अब 1000 MB प्लस 4 KB यहाँ तक पाथ बन गया उसका, फिर 1004 MB से लेके 1004 MB और 4 बाइट से लेके 1004 बाइट 8 तक, 1000 MB और 8 बाइट, यानी कि यहाँ तक नेक्स्ट एड्रेस बन जाएगा। इसी तरह करके अगली जो लोकेशन होगी वो अरे में उससे अगली बन जाएगी, इसी तरह अगली जो लोकेशन होगी वो उसकी अगली लोकेशन बन जाएगी। और ये सर सब पॉसिबल कैसे होता है, ये सब पॉसिबल होता है सिर्फ इसकी वजह से। क्यों? क्योंकि इससे हम साइज जो है ना उसी वक्त देते हैं जिस वक्त इनिशियलाइज करा रहे होते हैं, और कितना साइज हमने यूज कर रहा है वो उसी वक्त बता रहे होते हैं। इस वजह से मेमोरी में ये अपने कंजेक्टिव उस एरिया को जो है ना ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। तो इसलिए करके बैकएंड पे जो है ना इसका ये इम्पैक्ट पड़ता है कि अपने से बिल्कुल अगले वाले को जो है ना ये ऑक्यूपाई कर लेगा, ठीक है। और क्या करेगा कैसे, क्योंकि उसे पता है कि कितने साइज के मैंने यानी कि वेरिएबल लेने हैं, यानी कितने लेने हैं, वो हमें ये बता देगा 6 लेने हैं, किस साइज के लेने हैं वो हमें डाटा टाइप बता देगी, ठीक है। इसलिए जो अपने से आगे वाले सबको वो कर लेता है, एलोकेट कर लेता है, ठीक है। तो इस चीज की यानी कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर नहीं समझ आई तो अभी बताओ, इसको दोबारा इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये शुभ भाई, ये जो आप उसकी लाइन लिखते हैं जो इनिशियलाइज करवाते हैं जहाँ पे एरे को, और जब साइज देते हैं तो साथ ही वो एज अ डिफॉल्ट वैल्यू के तौर पे उनको मेमोरी में स्टोर करवा देता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये याद रखो, इस चीज पे हमारा 1 दिन लगेगा पूरा इस चीज को समझने के लिए न्यू क्या करता है। लेकिन अभी के लिए इतना याद रखो, जहां पे भी न्यू आ गया ना, वहां पे इसकी इंट्रैक्शन मेमोरी के साथ होने लगी है। जहां पे न्यू आया, जो चीज पे हम न्यू लगा रहे हैं उसको वो एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर, जहां पे भी अभी ये वेरिएबल के साथ आ रहा है, वेरिएबल को एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर। कल को ये क्लासेस के साथ आएगा, क्लासेस को एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर। उसके अलावा अगर ये डेलीगेट के साथ आएगा, डेलीगेट को एलोकेट कर देगा मेमोरी के अंदर। यानी कि जो न्यू का कीवर्ड है ना, ये न्यू खुद ये बता रहा है कि नई लोकेशन एलोकेट करना फॉर जिसके लिए वो यूज हो रहा है उसको। जब तक हम ये न्यू नहीं ना लगाएंगे, इस लाइन ने कुछ नहीं किया था मेमोरी में,
ठीक है, और इस लाइन की भी इधर तक कुछ नहीं किया था, जैसे ये न्यू लगा रहा उसके बाद इसने अपनी कैलकुलेशन की कि भाई कितनी मैंने मेमोरी में जगह लेनी है, वो जल्दी से मेमोरी में जगह लेके वो यहाँ पे उसने मेमोरी में जगह लेके इसको बता दिया कि भाई तेरी जगह जो है ना ये है, यानी कि तुझे अगर ये कॉल करेगा कौन सा इंडेक्स कॉल करेगा, तूने मेमोरी के फलानी लोकेशन से उठाना है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है, ये जो इंडेक्स है ये हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, तो जब हमने एरे का साइज डिक्लेयर करना है तो उसको हम फिर 5 तक डिक्लेयर नहीं करेंगे? हाँ ये इसमें चीज है, लेंथ जो है ना वो लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी कि कितनी उसकी लेंथ है, क्योंकि 0 तो कोई लेंथ नहीं ना होती, अगर वैसे सोचा जाए कि भाई ये जो है ना ये वेरिएबल 0 0 लेंथ का है, 0 तो कोई लेंथ नहीं है ना, लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, लेकिन जो इंडेक्सिंग है ना वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगी, ये हमेशा थोड़ी कंफ्यूजन रहती है और ये रहेगी भी। जो आप लोग शुरू में जब इस चीजों को इम्प्लीमेंट करोगे ना एरर में भी इस वजह से आए आपको, इसलिए मैंने फोर्सफुली वाला एरर आपको दिखाया, इंडेक्स वाज आउट ऑफ बाउंड, जब भी वो एरर आए ना तो समझ लो आप लोग का इंडेक्स और जो टोटल लेंथ है ना उसमें डिफरेंस आ गया, तो वो एरर बहुत कॉमन एरर है और वो हर जगह आपको, यानी कि कह लो कि इवन के अभी भी मैं प्रोग्रामिंग करूं तो मुझे भी फेस होता है वो वाला एरर, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला, ठीक है, तो वो एरर जहां पे भी आ गया ना तो आप फौरन समझ जाना कि भाई आपकी जो लेंथ है वो कम हो गई है और जो इंडेक्स है ना वो ज्यादा का हो गया है, तो इसलिए उसको आपने, यानी कि पहला पहला जो है ना चेक आपने उसी पे लगाना है कि वो चीज जाके देखो कि किधर ये जो है इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है। और कोई क्यूरी किसी की? चलो ठीक है, यानी कि इसका मतलब है कि अब अगेन यही चीज रिपीट करना कि यार ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था अरे का, इसको सही तरह समझना, क्योंकि ये जो मैंने चीज बताई है ना ये अब अपने ग्राफ पे अब खुद अपने लिहाज से डिजाइन करना, क्योंकि शेप वर्ड था, अगर मैं होता ना तो मैंने इसे यूं ड्रॉ करना था, यानी कि ऑब्वियसली S1 इधर नहीं जाता, ये ड्रॉ करके लाइन इधर लगानी थी और एरो यूं लगाना था, तो ये अपने पास अपने लिहाज से ड्रॉ करना, क्योंकि ये बहुत ज्यादा आगे यूज होने वाला है अपने लॉजिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब इसमें जो है ना, यानी कि असाइनमेंट ये है, इसको आप वीडियो से ही देख लेना क्योंकि ये मैं सेंड नहीं कर सकता वर्ड, क्या नाम है उसका, व्हाट्सएप पे ये सेंड भी नहीं होगा इस तरह करके ना, तो इसलिए ये वीडियो से देख के दोबारा अपने पास रजिस्टर से अपने लिहाज से ड्रॉ करना है इन चीज़ों को। अच्छा असाइनमेंट ये है कि यही इस असाइनमेंट को कंटिन्यू करना है, यानी कि 6 सब्जेक्ट ले रहे हैं, 6 सब्जेक्ट को इंटर करवाना है और हमें जो है ना ग्रेड बताने जो हमने एक असाइनमेंट कर चुके हुए हैं, ठीक है, वो ग्रेड जो है ना इफेस के जरिए जो है ना हमने ग्रेड बताने कि भाई तुम्हारे उर्दू सब्जेक्ट में ये ग्रेड है, जो यानी कि एक्चुअल यूनिवर्सिटीज में जिस तरह ग्रेड कैलकुलेट होते हैं वो वाली चीज़, ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट के ग्रेड देना बता के वो यूजर को दिखाने हैं। और इसके अलावा एक असाइनमेंट जो यानी कि कह लो कि थोड़ा कोड चैलेंज है, वो ये कि यूजर से एक इनपुट लेनी है, फॉर एग्जाम्पल यूजर इंटर करता है 100 इंटर करता है, ठीक है, तो इस 100 के अंदर कितने प्राइम नंबर आते हैं ना वो हमने काउंट बताना है, यानी कि ये आउटपुट हमारी ये होनी चाहिए कि टोटल प्राइम नंबर आर, फॉर एग्जाम्पल इस 100 के अंदर 15 टोटल प्राइम नंबर आते हैं, वो हमारी आउटपुट होनी चाहिए। और प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं कि जो अपने 1 या अपने अलावा किसी और से वो डिवाइड ना हो सके, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 एक बजाते है खुद प्राइम नंबर है, 2 2 1 से डिवाइड हो सकता है और 2 से हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता, तो वो भी प्राइम नंबर हो गया। 3 1 से हो सकता है, 2 से नहीं हो सकता और 3 से हो सकता है, यानी कि अपने अलावा वो किसी और से नहीं हो रहा। अब 4 है, 4 1 से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, तो 4 जो है वो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है, इसी तरह 5 है, 5 अपने यानी कि 1 से हो सकता है और 5 से ही हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं हो सकता, तो 5 भी हमारा प्राइम नंबर है। 6 है, 6 1 से भी हो सकता है डिवाइड, 3 से भी हो सकता है डिवाइड, और 6 से तो वो तो चलो वो होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन क्योंकि वो 3 से हो सकता है तो वो भी प्राइम नंबर नहीं है। 7 जो है वो 1 से हो सकता है और 7 से हो सकता है, वो भी प्राइम नंबर है। इस तरह करके जो है ना आप लोगों ने कि अगर यूजर इंटर करता है 100 तो 100 में कितने प्राइम नंबर आते हैं, अगर यूजर करता है 50 तो 50 में कितने प्राइम नंबर आते हैं, तो ये काउंट होना चाहिए सर। ये दो असाइनमेंट है, ठीक है, और एक जो है ना मैं छोटी सी चीज बताने लगूंगा, अब हमने असाइनमेंट कैसे शेयर किया करनी है, क्योंकि अब हमें जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह इतने हो गए कि हमें कोड देखने की जरूरत नहीं है, कोड ऑब्वियसली अगर आउटपुट सही आ रही है तो कोड भी पीछे सही चल रहा होगा, ठीक है, अब हमने किया क्या करना है,
यहाँ पे जाना है आप लोगों ने, ये ओपन फोल्डर और फाइल एक्सप्लोरर। अब ये देखो, ये वो लोकेशन ओपन हो गई है जहां पे आपने इस प्रोजेक्ट को बनाया है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर ये बिन का फोल्डर है, बिन के फोल्डर के अंदर ये डिबग पड़ा हुआ है। देखो डिबग के अंदर ना ये फाइल पड़ी हुई है जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है, यानी कि एक एक्सजी फाइल है। अब यहाँ पे एक्सटेंशन नहीं आ रही, अगर मुझे पता नहीं इस विंडो में कैसे ओपन करते हैं वो। हाँ, ऑप्शन व्यू, ये ओके ठीक है। ये कौन सी फाइल है? डॉट ई एक्स ई की फाइल है, इसका मतलब कि एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अब देखो इसको अगर मैं रन करता हूं ना, होता क्या है, ये तो वही प्रोग्राम ही जो हमने बनाया है। ये बंद हो गया, अगर मैं देखो इसे इधर रोक लेता हूं, और इसे मैं रन नहीं करता, सिर्फ डिबग कर लेता हूं। कैसे डिबग किया? कंट्रोल शिफ्ट बी, ये देखो यहाँ पे डिबग हो रहा है। रीड की नहीं यूज होगा। कोई भी कर लो, रीड लाइन कर लो, अब ये बिल्ड हो गया सक्सेसफुली। और इसके अलावा ये डिबग यहाँ से भी हो जाता है, राइट क्लिक रिबिल्ड, ठीक है, सेम है वो, उसकी शॉर्टकट की थी। अब मैं इसे रन करता हूँ, ठीक है, ये इसका रिजल्ट आ गया। अब देखो आना के वो स्टॉप हो रहा था यहाँ पे आके, सॉरी ये क्लोज हो रहा था यहाँ पे आके, वो स्टॉप हो गया। असाइनमेंट में अब किया क्या करना है, आप लोगों ने ये वाली अपनी एक्सी फाइल ना, एक अब सर एक जो ना हम लोकेशन बना लेंगे जहाँ पे हर कोई जो ना अपनी फाइल को अपलोड कर सके, ठीक है। वो लोकेशन हम सबको असेसिबल होनी चाहिए। ये वाली फाइल यहाँ से कॉपी करके, फॉर एग्जाम्पल वो लोकेशन जो है ना मेरी ये है, ठीक है, यानी कि जो भी हमने बनाई थी वो लोकेशन ये है, उस लोकेशन पे जाके ठीक यहाँ पे, यहाँ यानी कि ये वो लोकेशन है, यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर दिया था। अब इसके बाद जो है ना, मैं सब लोगों से कहूंगा कि हर कोई हर किसी के साथ, देखो जो असाइनमेंट बना रहा होता है ना, उसे पता होता है कि भाई अगर मैं ये इनपुट दूंगा कि ये चीज मैंने हैंडल की भी है, तो इसने पता नहीं हैंडल किया है कि नहीं की। हर कोई एक दूसरे के असाइनमेंट को चेक करेगा, यहाँ पे आगे सिंपल आप लोगों ने रन करना है तो ये असाइनमेंट चल जाया करेगी। ये अब क्या बन गई कि एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई। ये असाइनमेंट आप किसी को भी, यानी असाइनमेंट सॉरी, ये फाइल आप किसी को भी सेंड कर सकते हो कि भाई देखने के लिए। तो ये हर कोई बंदा जो है ना आपके प्रोग्राम को टेस्ट कर सकता है, ठीक है, यानी कि जो आपने प्रॉब्लम सोल्व किया उसको आप यानी कि इस तरह करके जो है ना डिप्लॉय कर सकते हो, ठीक है। तो यानी कि जो एक लोकेशन हम शेयर करेंगे वहां पे जो है ना सारी, और करेंगे किस तरह कि इस नाम पे जो है ना, अब जिस तरह ये हमारी थी प्रॉब्लम क्या थी, इसको रीनेम करना है, कहाँ गया रीनेम, यश पिता, किधर गया था, रीनेम नहीं आ रहा। इसको वो कर लेना, एक दफा क्लिक करके थोड़ी सी पॉज के बाद दोबारा क्लिक कर। यहाँ पे जिस तरह हमने अरे सॉरी पहले पहले नाम आएगा ताकि पता चल जाए कि हाँ ये इसकी असाइनमेंट है। अब जिस तरह एक असाइनमेंट मिली हुई है प्राइम नंबर की, ठीक है, इस तरह करके जो है ना ये यानी कि हम असाइनमेंट सबमिट करेंगे। अब जो दूसरा देखने वाला बंदा है, यानी कि जो भी इसको रिव्यू, और मैं रिकमेंड करूंगा हर कोई हर किसी की असाइनमेंट को एक बार टेस्ट करे, ठीक है। तो इस तरह करके बस यानी कि हम लोग देखा करेंगे यहाँ पे असाइनमेंट, वो जिस हिसाब से वो इनपुट मांगेगा, फॉर एग्जाम्पल 100 एंटर किया तो उसके नीचे आउटपुट कितनी आई है वो हम देख लेंगे कि भाई हाँ सही आई है कि नहीं आई, उससे वो चीज़ वेरीफाई किया करेंगे। अब हमें इतना बड़ा बड़ा कोड करने की पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम जो है ना सीपीयू ऑप्टिमाइजेशन अच्छी कर लेते हैं, लेकिन जिसमें किसी में अगर जरूरत पड़ी कि भाई हाँ इसमें बताओ कितनी बिगो यूज की है, तो वो आप फिर बताया करो कि भाई मेरे केस में तो जो है ना
ये बिगो एन यूज हुआ है या बिगो एन स्क्वायर यूज हुई है, तो जितनी भी वो यूज हुआ करेगी तो उस चीज को फिर जो है हम एक लिमिटेशन लगा दिए कि नहीं भाई बिगो एन के अंदर ही ये रिजोल्व करता है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है ना फिर यहाँ पे हमारी वो आया करेगी। अब इसमें यानी कि ये चालाकियां भी हो सकती है, कोई दूसरे की कॉपी पेस्ट कर ले वो अपने ऊपर ही है, कि जिस तरह अलिशमा ने यहाँ पे रख दी, यहाँ पे यानी कि नाम चेंज किया और उसी को कॉपी पेस्ट कर दिया, तो ये सारा तो अब हमारे ऊपर ही है। ठीक है, तो खैर इस तरह करके जो है ना हम अपनी चीजों को सबमिट किया करेंगे, तो ये बस चीजें थी। तो अब इसमें आज के लेक्चर में या किसी चीज में कोई चीज है कंफ्यूजन तो वो पूछ लें, वरना हम बाइंड अप करते हैं ऐसे। ये जो सेकंड असाइनमेंट दी है ये एरेज के थ्रू करनी है या किसी भी तरीके से हम कर सकते हैं? देखो अरे की इसमें जरूरत नहीं है ना, क्यों हाँ जरूरत वही नहीं है, मैं कह इसमें तो रहा एक हूँ। ही इनपुट लेंगे। हाँ तो ठीक ये डिसीजन मेकिंग भी हमने खुद किया करनी है। ठीक है, हाँ ये चीज मैंने आपको पिछली बार बताना भूल गया था मैं, कि पिछली बार ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए थी कि मैं जो ना अब ये चीज नहीं आपको कहा करूंगा कि किसके अंदर देनी है, जब कहूँ तो उसी के अंदर करके देनी है, लेकिन अगर ना कहूँ ना तो इसका मतलब कि आपके पास जितना अब आपका इल्म है ना उसमें से आपने ये चीजें यूज कर। ठीक कल को हम रे के अलावा कोई और डेटा स्ट्रक्चर यूज करेंगे तो आप लोगों ने डिसाइड करना है कि आप रे के अंदर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे या वो जो नया डेटा स्ट्रक्चर किया उसके अंदर सॉल्व करोगे। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि फलाने डेटा स्ट्रक्चर से ही सॉल्व करना है या लूप फलाना है लगा के ही सॉल्व करना है, लेकिन जो कि अब मैं नहीं कहूंगा। ठीक है, क्योंकि अब जो है वो इतनी चीजों से सिर्फ प्रैक्टिस के लिए वो चीज होती है कि भाई ये वाला लाजमी ये वाला लूप लगाओ या लाजमी जो है ना ये वाला वेरिएबल यूज करो, वो प्रैक्टिस के लिए था। अब आप लोगों के आपने खुद जो आपके पास नॉलेज है उसमें उस नॉलेज को इकट्ठा करते हुए जो बेस्ट सोल्यूशन होगा उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक। और कुछ किसी का कोई क्यूरी? चलो ठीक है फिर है अबू सर, ये स्टॉप कर दो और जो भी लोकेशन बनाओ